हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पलाश कुमार, स्वागत है हमारे चैनल पलाश ट्रिप पर। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे हूँ जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये है आपका गुंटूर स्टेशन। गुंटूर जंक्शन के ये टर्मिनल को आप देखो, कितनी खूबसूरती है। यहाँ पर बहुत सारे बढ़िया चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं। ये मेरे पीछे जो है ये गंधार बुद्ध का एक स्टोन का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो पावरफुल सिंबल ऑफ विजडम का है। आप मेरे आगे देख सकते हैं, इधर दीवारों पे कितनी अच्छी पेंटिंग्स करी हुई है गुंटूर पे। और आप इस साइड देख सकते हैं, गुंटूर के इस टर्मिनल को देखिए, कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने डिज़ाइन करा है, लाइक एयरपोर्ट के मॉडल जैसा। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पर। अगर आप कभी इधर आते हो तो ज़रूर घूमना, जो भी इधर आंध्र प्रदेश वाले हैं, तेलंगाना वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। इससे पहले अगर बोलूं कि डे 20 तक हमने सफल पूर्वक कंप्लीट कर लिया है, आपने भी अच्छी तरह से वीडियो को कंप्लीट किया होगा, टारगेट को भी कंप्लीट किया होगा। बात रही, अगर बहुत सारे भाई बहन ने ये बताया मेरे को कि भैया मैंने अभी स्टार्ट किया है, अभी आपके 100 डे चैलेंज के बारे में पता लगा है, तो मैं क्या करूँ? तो आपके पास दो ऑप्शंस है, क्योंकि अगर फ्रेशर्स हो तो आप बिल्कुल डे वन से शुरू करो, और सैटरडे संडे जो भी आपका ऑफ डे रहता है उस दिन आपको क्या करना है कि जो भी बचा खुचा है उसको उस दिन में ख़त्म करना है, और डेली का 5-6 घंटे टारगेट ख़त्म करने के बाद आप एक्स्ट्रा टारगेट को कंप्लीट कर सकते हो, धीरे धीरे करके आप पहुँच जाओगे। लेकिन अगर आप बहुत रिविजन के पर्पज़ से इधर आए हो, पढ़ रहे हो घर पर, ऑलरेडी पढ़ रहे हो, तो आपको जहाँ से स्टार्ट पकड़ रहे हो वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। पिछले वाली को आप आराम से डेली का डेली वो 1-2 घंटा 4 घंटा एक्स्ट्रा लगा के ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो ये डाउट सबसे ज़्यादा आ रहा है। और एक डाउट है भाई, NTPC में फिजिकल होता है क्या? भाई NTPC में कोई फिजिकल नहीं होता है, NTPC में सिर्फ मेडिकल होता है। ठीक है, NTPC में कोई फिजिकल नहीं होता है, फिजिकल ओनली ग्रुप डी में होता है। दूसरी सवाल, NTPC के लिए ITI ज़रूरी है क्या? ITI की कंपलसरी NTPC में कुछ भी नहीं है, ITI पे कोई भी NTPC का पोस्ट नहीं है, ITI सिर्फ ग्रुप डी के लिए टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल है, NTPC में कुछ नहीं है। NTPC में लेवल 2 और 3 के लिए आपको होना चाहिए 12th पास, और लेवल 4, 5, 6 के लिए आपको होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, बस इतना ही क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है दोस्तों, कुछ पोस्ट है जिसके लिए टाइपिंग देना पड़ता है, कुछ पोस्ट है जिनके लिए साइको देना पड़ता है, कुछ पोस्ट सिर्फ मेंस के आधार पर आपको मिल जाती है। तो पूरी जानकारी के लिए आप मेरा हाउ टू क्रैक NTPC इन फर्स्ट अटेम्प्ट वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें 80,000 प्लस लोगों ने देखा और बहुत ज़्यादा उन्होंने उसको सराहना भी दिया और कमेंट भी किया कि आपने पहली बार ऐसा वीडियो बनाया है, बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टारगेट डेट 21। और आप सभी को जिसका भी जिनका भी आज त्यौहार है, ईद का है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और हमारे माता रानी आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद दे कि आप अच्छी तरीके से अपने टारगेट को पूरा करो, कंप्लीट करो और सेलेक्शन तक पहुंच जाओ। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज है आपका टारगेट डे 21। टारगेट डे 21 में हमने बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट भी कर लिया होगा, और नए चैप्टर्स यानी कि नए टॉपिक्स को, नए कॉन्सेप्ट्स को सीखने का स्टार्ट करेंगे। 20 दिन का सक्सेसफुली हमने टारगेट कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने बीच में ज्वाइन किया है उनको बीच से ही कंटिन्यू स्टार्ट करना है, और पीछे वाली को रिविज़न डे यानी कि सैटरडे और संडे को रिविज़न करना है। ठीक है, आज हम बात करें मैथमेटिक्स की। तो मैथ्स में आप क्या करना, पहले कल जितने भी पढ़े हो रिवाइज कॉन्सेप्ट्स, उसको प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट कल पढ़े थे कंपाउंड का, उस कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को आपको रिवीजन करना है पहले, क्योंकि 2-3 टॉपिक जो इसमें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही उलझन वाली है, पेचीदा है। तो उसको आप अगर नहीं पढ़ोगे बार बार तो भूल जाओगे। तो सीधी सी बात है कि आपको क्या करना है, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी आपने पहले कल पढ़ा है, डे 20 के दिन पढ़ा है, उसको कंपलसरी तरीके से रिवीजन करना है आपको। ठीक है, उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। तो आगे के कॉन्सेप्ट्स में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, कुछ स्मॉल ट्रिक्स मिलेगी, कॉन्सेप्ट्स मिलेगी, वो आपको कंपलसरी रिमेंबर करना है, मेमोराइज़ करना है, ताकि एग्ज़ाम्स में जब क्वेश्चंस आए तो आप अच्छे तरीके से उसको टैकल कर सको। ठीक है ना, तो वो रूल्स कॉन्सेप्ट्स जो है छोटे छोटे वो आपको पढ़ लेना है। इसके साथ साथ जो भी टाइमिंग्स है, रेट्स है, प्रिंसिपल्स है, इंस्टॉलमेंट है, ठीक है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं किस्त, या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि समय क्या है, कितने समय में इतना होगा, कितने रेट क्या है, रेट पता करें, या फिर प्रिंसिपल क्या है, अगर इस रेट के अनुसार इतना मिश्र धन हो जाता है तो इतने वर्षों में, तो ये सब चीज़ें बहुत सारे वेरिएशंस के साथ आती है। तो आपको स्मॉल ट्रिक्स, हाउ टू फाइंड टाइम,
हाउ टू फाइंड आपका रेट, हाउ टू फाइंड प्रिंसिपल मूलधन, ठीक है। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी होंगे उसमें जिसको आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चंस होंगे और उसमें कुछ मिसिंग होगा, तो उसको आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो उसको हम लोग इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में बोलेंगे। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो हर एग्ज़ाम्स में एक या दो तो पूछेगा ही पूछेगा, एक SIC भी पूछ सकता है और एक CIC भी पूछ सकता है, वो है आपका इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब होता है किस्त, कितने किस्त, कितना किस्त, प्रत्येक किस्त में कितने पैसे, इन टाइप के वेरिएशंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे आपको इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो आपको आज कंप्लीट करना है पूरा, कोई भी प्रैक्टिस नहीं करना है, ओनली कॉन्सेप्ट्स रिवीजन, कॉन्सेप्ट्स के नीचे जो एग्जांपल्स दिए हैं उसको रिवीजन, ठीक है। अब अगर बात करें हम रीजनिंग में, तो रीजनिंग में हम अभी छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं पूरे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अप्रैल के अंत तक आपका रीजनिंग निपटा दूंगा, फिर मई में फिर से रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, फिर दो राउंड रीजनिंग होगा। और जब आप 8700 क्वेश्चंस को 4-5 बार बना लोगे ना, उसके बाद देखना अपना कॉन्फिडेंस लेवल, रीजनिंग में 25 में 25 मारने का लेवल आ जाएगा तुम्हारे अंदर, और मेंस में 30 में 30, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे अगर रीजनिंग में, तो आप आज अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स पढ़ना, टोटली बेस्ड ऑन मैथ्स ये है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको एवरेज के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एज के क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को, परसेंटेज के क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को, और कुछ मिक्सर एलिगेशन के मिलेंगे। तो मिक्सर एलिगेशन अभी पढ़ा नहीं है हमने, पढ़ेंगे CI को ख़त्म करके मिक्सर ही पढ़ेंगे। सॉरी थोड़ा ट्रेन का साउंड आ रहा है। इसके साथ हम बेसिक कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट, कॉमन सेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा टाइप 1 है, टाइप 2 है, मतलब 7 टाइप्स हैं इसमें। तो पहले वीडियो लेक्चर देख लेना, वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको महसूस होगा कि हाँ ये क्वेश्चंस इस टाइप से बनाए जा सकते हैं, और आपने अभी एवरेज, एज, परसेंटेज सब पढ़ चुके हैं पीछे, तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भारी टफ नहीं होता है, ओनली ऑन माइंड गेम। तो इसमें लगभग 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उन सब क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है और इस चैप्टर को आज निपटा कर ही ख़त्म कर देना है अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना। और जिनका भी ये छूट रहा है ना, वो बस डेली क्या करे, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे भाई। टारगेट 5-6 घंटे का होता है, आप 8 घंटे पढ़ लो, 3 घंटे पीछे छूटी हुई टारगेट पे फोकस कर लो धीरे धीरे करके, क्योंकि फिर तो रिवीजन स्टार्ट करूँगा ही मैं, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं शुरू से स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है, डेली 4.5-5 घंटे इसमें इन्वेस्ट करता हूँ भाई। पहले टॉपिक लिखना 1-1.5 घंटे में बैठ के पूरा समझ के सोच के, फिर उसके बाद आपका टारगेट बनाना। GK की बात करें तो साइंस में क्लास 10th की अभी सीरीज चल रही है NCERT की, तो चैप्टर आपको आज पढ़ लेना है 5। वीडियो लेक्चर पहले देख के PDF को बढ़िया से रिवीजन करने के बाद आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है, ठीक है ना भाई। इसलिए टारगेट को यहीं से ये कंटिन्यू चलने देते हैं, बीच में छूट गया है उसको पीछे वाले को धीरे धीरे कवर कर लो। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हमने मेडिवल में कदम रख दिया है, और मेडिवल में कल आपने पढ़ा होगा भारत में अरबों ने आक्रमण कैसे किया, कैसे उनका आगमन हुआ, कौन कौन पहले आए, जैसे मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, तो उसके बाद भारत में सल्तनत काल स्टार्ट हुई, ठीक है ना, जो कि दिल्ली की वंश से। तो सल्तनत काल में हम पहला वंश पढ़ेंगे, गुलाम वंश, जिसको हम दास वंश भी कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी। बढ़िया तरीके से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिवल हिस्ट्री, एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन सिस्टम से डायरेक्ट टू हीट होते हैं लुसेंट से, इसलिए हल्के में मत लेना लुसेंट को, अच्छे तरीके से बारीकी से पढ़ना, हर एक पॉइंट को ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी होगा मैं डाल दूंगा ग्रुप्स में, आप उसको पढ़ना। टेस्ट आपका 30 के बाद होगा, इसलिए बी प्रिपेयर, माइंड दिमाग से पूरा प्रिपेयर रहना, प्रिपेयर लिंक पे आपका काम चल रहा है टेस्ट पे। ज्योग्राफी की बात करें तो महासागरीय जलधाराएं आपको पढ़ लेना है, कौन कौन सी जलधाराएं हैं, कहां से निकलती हैं और कहां जाकर मिलती हैं। उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है सारा केसो सागर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं, एक सवाल के बारे में पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है या टॉपिक जो है आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। अब बात करें अगर पॉलिटी में, तो पॉलिटी में आज थोड़ा सा इधर हूँ, बस एक इसमें है लगभग 20-22 क्वेश्चंस बनेंगे इसमें, ये नाम है इनका संविधान में संशोधन। तो संविधान में संशोधन आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। बाकी संविधान का संशोधन जो है आगे भी आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा बेसिक चीज़ें दी रखी है, आप उसको पढ़ लेना। फिर कल हम स्टार्ट करेंगे अनदर टॉपिक, जिसमें आपको न्यायपालिका स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, जुडिशियरी, ओके। तो उम्मीद है कि
ये सभी टॉपिक जो है आप स्मूथली कवर कर रहे हैं, और जो भी डाउट्स आता है वो आप अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते हैं या फिर पूछते हैं। देखता हूँ मैं जब टाइम मिलता है तो बहुत सारे लड़के एक दूसरे का हेल्प कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है यार, ऐसे ही एक दूसरे को हेल्प करते रहना हमेशा। वीडियो को लाइक करना ज़रूर, शेयर करना अपने दोस्तों को, उन दोस्तों को जो इस वीडियो की अहमियत को समझेंगे, जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की। सब्सक्राइब कर लेना, नए दोस्तों को भी बोलना सब्सक्राइब करने को, और कमेंट्स में जो भी डाउट्स है हमेशा लिखते रहना। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, ट्विटर पे कहीं भी आप फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, अपने डाउट्स पर्सनली पूछ सकते हो। मैं जब भी टाइम मिलता हूँ तो आपको रिप्लाई दे देता हूँ, उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी डाउट्स है आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट पूछना। फेसबुक पे मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे डीएम करते रहना, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। आपका दिन शुभ हो, माता रानी करे आपका दिन शुभ हो, और जिनका आज त्यौहार है उनको भी ऑल द